अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ मुजम्मिल असलम साहब और अंदलीब अब्बास साहिबा जो हैं वो इस प्रोग्राम में बात करने के लिए मौजूद हैं। तो वेलकम टू बोथ ऑफ यू। अंदलीब साहबा, आपसे मैं पहले सवाल करना चाहूँगी कि पिछली हुकूमत में इमरान खान साहब ने कहा था कि जब हम अपने पिसे हुए तबके पर रहम करेंगे तो अल्लाह ताला की बरकत आएगी, और इसी सोच को सामने रखते हुए उन्होंने एहसास प्रोग्राम के तहत सेहत कार्ड दिया और स्कॉलरशिप दिए नौजवानों को, उन्होंने एहसास राशन कार्ड भी दिया, और इसी तरह से उन्होंने एक रेडी बांध जो प्रोग्राम है वो भी शुरू किया था इस्लामाबाद में। तो आज ही आपने भी ये खबर देखी होगी कि सीडीए जो है उन्होंने वो जो रेडी बांध के लिए जो वो थे इंस्टॉल किए हुए थे सारे जो वो थे जो इंस्टॉलेशन थी वो सारी आज तबाह कर दी गई, वेंडलाइज कर दी गई है, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो मैंने जब वो देखी, यकीन करें मेरा तो यकीन करें कि जैसे गूम्स बम्स होते हैं ना, मैं ये सोची थी कि एक तरफ तो इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा, महंगाई आपने कर दी, और दूसरी तरफ से आप लोगों का कारोबार तबाह कर रहे हैं। तो आप क्या कहेंगी कि ये सिर्फ ये यानी ये जो सब कुछ किया जा रहा है ये इमरान खान के बुग्ज में, उनकी दुश्मनी में है, या ये अवाम को भी कुछ नहीं समझते, ये अवाम के लिए भी इनके दिल में कोई रहम नहीं है, ये इतने ही जालिम है? आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? तस्लीम, ये बहुत ही जिसको कहते हैं इस पे दुख और गुस्सा आया है। गुस्सा इसलिए आया है क्योंकि ये गरीब लोग हैं। आजकल आप देखें, रोटी का जो आपको 20 रुपए की रोटी मिल रही, 30 रुपए का आपको नान मिल रहा है, आपको आटा नहीं मिल रहा, आपको दालें नहीं मिल रही, आपको बिजली नहीं मिल रही, आपको गैस नहीं मिल रही। और अगर एक गरीब इंसान जो है वो एक एहसास प्रोग्राम का लिख के अपनी रोजी कमाने की कोशिश कर रहा है, तो जस्ट बिकॉज वो एहसास प्रोग्राम लिखा हुआ है तो ये बेहिस और बेगैरत लोग जो हैं इन्होंने उसकी रोजी पे भी लात मार दी है। ये वो एहसास प्रोग्राम है जिसने कोविड के दौरान सारी दुनिया ने कहा कि दुनिया के टॉप 4 मोस्ट ट्रांसपेरेंट यानी नॉन करप्ट प्रोग्राम्स हैं। ये वो एहसास प्रोग्राम है, जब आए हमें तो पता चला 8 लाख अमीर लोगों को घुसाया हुआ है अपने हारियों और वारियों को। अभी भी देखें, आपके जो ऑडिट का पैरा आया उसके अंदर बिलियंस ऑफ रुपीस की खुर्दबुर्द इन्होंने 8-9 महीने में कर दी है। तो ये चाहते यही है कि ये सारे पैसे इनके इनके बच्चे, इनके रिश्तेदारों को, इनकी फुफियों को, चाचियों को, सारों को मिला के ये बाहर ले जाएं और इन गरीबों का कोई ना पूछने को। आप देखें, एक तो कहते हैं ना कयामत का ये रोज है कि एक वो सेहत कार्ड था, सेहत कार्ड जो है एक मिरेकल है दुनिया के अंदर। दुनिया के अंदर अमेरिका में, यूके में आज तक ये नहीं हुआ कि जी वो एक बंदे को एक क्रेडिट कार्ड मिल जाता है कि जाके सेहत का मुफ्त इलाज करवाओ। वो इतना जबरदस्त हो रहा था, इन्होंने उसको भी बंद करवा दिया, उसमें भी रखने डाल रहे हैं, और जो हॉस्पिटल्स देने की कोशिश करें उनके साथ बुरा सलूक करें। तो ये कौन है? ये गरीब दुश्मन लोग हैं, ये तकब्बुर वाले लोग हैं, ये जिसको कहते हैं ना एक इनकी जो सोच है वो एक मुआशरे को, सिर्फ एक छोटे से तबके को सारा पैसा और पावर जमा करके बाकी मुआशरे को तबाह करने की सोच है। इसीलिए तो बड़ा क्लियर है, आता है और खिलाता है, ये खिलाता उनको है ना, जो खिलाने वाले लोग हैं सिर्फ, वो जो जो इनको फायदा देने वाले लोग हैं उन्हीं को ये वो करते हैं, हमेशा नवाजते हैं। लेकिन मेरी बात सुने, ये इस वक्त फायदा क्या? आप देखें मुल्क डूब गया है। आप ये देखें कि इस वक्त आपके पास ना लोगों के पास रोजगार है, ना रोटी है, ना गैस है, ना पानी है, ना बिजली है, ना कुछ है, उसके ऊपर से आप ये करें। मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला इनको पूछेगा, उन लोगों की इनको आहें लगेंगी, क्योंकि ये ना मेरा ना इमरान खान का है, ये तो उन बेचारे लोगों के लिए था। रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट ही है कि आप हर बंदे को रियासत प्रोटेक्ट करें। तो मैं इसका मुजम्मत करती हूँ, और मैं जिसको कहती हूँ हर फोरम पे हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरह इन्होंने पनाहगाहें और लंगर खाने भी बंद किए थे। आपको याद होगा कि जब हमने शुरू में जब ये रजीम चेंज के बाद ये लोग आए थे, तो हमने देखा कि एक शख्स, बूढ़ा शख्स पनाहगाह की तरफ जा रहा था और उसने दरवाजा खटखटा रहा था, उसको मालूम नहीं था कि ये पनाहगाहें बंद हो चुकी हैं। तो ये वाकई ये गरीब दुश्मन लोग हैं। चलें, अब मैं नेक्स्ट सवाल मुजम्मिल साहब आपसे करना चाहती हूँ। देखिए, मुझे इकोनॉमी की इतनी ज्यादा समझ नहीं आती, लेकिन मुझे ये समझ आती है अगर मैं एक एनोलॉजी दूं कि एक यूं समझें कि एक हॉल था जिसमें हर तरफ जो है रोशनी थी, गहमा गहमी थी,
लोग जो है वो जैसे आ रहे थे जा रहे थे, कुछ चहल पहल थी, और आपने अचानक से जो वहां सारे एक जो मेन स्विच था ना, वहां से आपने लाइट बंद कर दी और अंधेरा कर दिया। मुझे ऐसे लगता है कि रेजिम चेंज के बाद इस तरह का कुछ हुआ है। अब मैं इस पे आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इसहाक डार साहब जो हैं, उनको हम जानते हैं कि वो जो फिगर्स को फोर्ज करने के लिए वो माहिर हैं, तो उन्होंने इमरान खान साहब की एक ट्वीट को जो है वो को ट्वीट करके कुछ बोला है, जो कि बेसिकली जो मुझे समझ आई है कि फिगर्स को सारा मिक्सअप करके तो अवाम को कंफ्यूज करने की कोशिश की है। तो आप हमें जरा नाजरीन को एक्सप्लेन करें कि वो क्या ड्रामेबाजी और झूठ क्या है वो। देखें, इस वक्त तो इसहाक डार जो मशहूर थे फिगर फज करने के लिए, वो खुद फज हो चुके हुए हैं और इतने बुरे फज हुए हुए हैं कि वो इधर उधर लेफ्ट राइट देख रहे हैं कि किसी तरीके से जो है जो उनके जैसे कहते हैं कि बदनामी उन्होंने जो ली है ये अपनी, मैं तो ये कहूँगा कि आखिरत खराब की है जो इन्होंने पिछले 4 महीने में अपनी, और उसके साथ जो है अपनी तो आखिरत तबाह की इन्होंने, लेकिन जो 22-23 करोड़ अवाम की जो है ना जिसे कहते हैं मुस्तकबिल का बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने आगे, और उसके बाद भी उनको चैन नहीं आ रहा और इधर उधर जो है अपनी जो बद जिसे कहते हैं वो बदमाशी एक वर्ड होता है ना, मैं ये कहूंगा वो बदमाशी यूं नहीं इसको ले, जो उन्होंने बदमाशी कर दी यानी माशी के मईशत का जो बेड़ा गर्क कर दिया, हाँ तो वो जो है ना उससे वो तवज्जो इधर उधर मफजूल कराने की कोशिश कर रहे हैं। और वो जो खास तौर पे ये जो अभी जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उस पे जो है वो सारा का सारा मुद्दा जो है पीटीआई और इस तरफ डालने की कोशिश कर रहे हैं। भाई आपका क्या काम है, आप मईशत देख रहे हैं, आप अपना बताएं, आपने माशाल्लाह सेंचुरी बना ली है डॉलर की, मतलब पाकिस्तान की तारीख में 100 रुपए का जब डॉलर हुआ था ना 100 रुपए का, तो 2013 में हुआ था, 1947 में पाकिस्तान बना था, तो मतलब कितने साल हो गए आप ये तकरीबन 66 साल बाद जो है पाकिस्तान का बनने के बाद 100 रुपए का डॉलर हुआ था, इन्होंने 9 महीने में पिछले जो है 100 रुपए का डॉलर कर दिया, उसके बाद वो जो है उससे जो महंगाई हो रही है, मुल्क तबाह बर्बाद हो गया है, वो सारी कहानियों से पर्दा मतलब इधर उठा उठा कर जो है सारा का सारा कि जी वो इमरान नियाजी साहब की वजह से मईशत तबाह हो गई है, और जब मैं बैठा हुआ था तो वो जो है उस वक्त पाकिस्तान दुनिया की 22वीं बड़ी मईशत थी, इनको ये तो पता नहीं है पाकिस्तान दुनिया की कब 22वीं बड़ी मईशत थी, हमने तो इन्हें कहा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दो, कौन सी जगह पे आया था, कौन सी अखबार में आया था, कौन सी रेटिंग आई थी आपकी, लगे हुए अपनी फायर मारने के लिए। उस पर शौकत तरीन साहब ने भी उनको ठंडा किया है और बाकी लोग भी उनके जो कमेंट्स हैं उसमें उनको जो है ठीक ठाक किस्म के उनको जवाब मिल गए। तो ये वो इसहाक डार साहब हैं, ये 4 दफा वजीर खजाना बने, हमारी बदकिस्मती है पाकिस्तान में क्या ये 23 करोड़ में क्या सिर्फ इसहाक डार मिला हुआ है हमें, बार बार दे देते हैं हमें, उसने हशर क्या कर दिया। 1999 में पाकिस्तान पहली दफा जो है माशी तौर पे डिफॉल्ट हुआ और ओवरसीज पाकिस्तानी और पाकिस्तानियों के फॉरेन करेंसी अकाउंट जिस आदमी ने फ्रीज किए वो इसहाक डार था। उसके बाद अब जो है 2017-18 में मईशत का बेड़ा गर्क करके इसहाक डार दे के गया, और 2022 में पाकिस्तान दिवालिये की तरफ जा रहे वो इसहाक डार है। पूछे तो सही जिनके रोशन डिजिटल अकाउंट है, उनको बर वक्त पैसे मिल रहे नहीं मिल रहे, जाए कारोबारियों से पूछे, छोड़ दे इस वक्त महंगाई को जो 50 साल का रिकॉर्ड बना लिया इन्होंने, छोड़ दे रुपए को, इस वक्त बाहर निकले तो जो मायूसी का आलम है वो इसहाक डार साहब की तरफ से, और लगे हुए सुबह इमरान खान पे कोई तनकीद करने, थोड़ा सा इनको अल्लाह का खौफ करना चाहिए, और जैसे मैंने कहा अपनी आखिरत सवारे, ये उल्टा लगे हुए ये हमारी 22 करोड़ कौम का और हमारी यंग जिसे कहते हैं उसकी लॉट का जो है मुस्तकबिल खराब करने पे लगे हुए, जो उल्टा सीधा काम है करे जा रहे पहले इसीलिए इनको इकोनॉमी हिटमैन कहा जाता है, वो बिल्कुल सही कहा जाता है ये इसी बिल्कुल। पहले आए थे बड़े ढोल धमक्के से आए थे, मैं IMF से 25 साल का तजर्बा रखता हूँ, मेरे पे छोड़ दें, अब कहाँ गया आपका 25 साल का तजर्बा, आपकी नाक से लकीरें निकलवा दी IMF ने, आपकी क्या नाक से लकीरें निकलेंगी, वो तो हमारी निकल गई है, सारे मुल्क की निकल गई है, आवाम की बिल्कुल, इनके पास तो बहुत कुछ जमा है, असल में नाक से लकीरें तो आवाम की निकल रही हैं। आज उनकी शायद ये भी स्टेटमेंट थी कि ये जो आवाम जो इकोनॉमी बर्बाद हो रही है उसकी एक वजह यह है कि हमारी ओपोजिशन इमरान खान है, तो वो बस हर जो चीज है उसका मलबा उनका इमरान खान पर ही निकलता है। नहीं मैं तो समझता हूँ इनको जवाब भी नहीं देना चाहिए, इनको अवाम ही जवाब देती है, जब ये लिखते हैं ना माशाल्लाह आप कमेंट्स पढ़ा करें,
ऐसे ऐसे इनको टिका के जवाब मिलते हैं, ये अगर पढ़ लें तो ये शर्म से इनका सर डूब झुक जाए और चिल्लू भर पानी में डूबने का जो है ना इनका दिल चाहेगा, लेकिन ये करते क्या, ट्वीट करके निकल जाते हैं, नीचे पढ़ते नहीं है ये लोग। असल में ये है ना कि ये समझते हैं कि अवाम अभी तक वही 90 की दहाई वाली है, अभी अवाम जो है ना बाशऊर हो चुके हैं और जानते हैं और इनको जवाब देना भी जानते हैं। देखे 90 की दहाई की जो है ना, 90 साल के इस वक्त कोई अगर कोई उम्र का भी शख्स है ना, वो भी अब 1990 में नहीं रहा, वो भी आईफोन यूज करता है, वो भी स्मार्टफोन यूज करता है, वो भी अब यूट्यूब, मेरी वालदा 70+ है, अब वो जो है टीवी नहीं चलाती ड्रामे देखने के लिए, वो यूट्यूब से देखती है, वो खबरें भी यूट्यूब से देख लेती है। अब ये दौर गया, ये पता नहीं अभी तक 90s में बैठे हुए, हमारे तो जो 70+ की जो इनकी उम्र के लोग हैं वो भी जो है अपग्रेड हो चुके हैं, तो इनको थोड़ा सा जो है ना पता नहीं किस दुनिया में बैठे हुए अभी तक, और समझते हैं पता नहीं जो बोल देंगे लोग समझ लेंगे हमारी बात। सही कह रहे हैं आप। जो एक किसी का भी जो जवाल होता है ना, वो ये होता है जब वो ये समझना शुरू हो जाए कि जो मैं सारी दुनिया को बेवकूफ बना के मुझे कोई भी नहीं पकड़ सकेगा। इन्होंने स्मार्टफोन जनरेशन की स्मार्टनेस को इतना अंडर एस्टिमेट कर लिया है, मेरे आपके मुजम्मिल के खत्म होने से पहले दुनिया ने हमारे मुतालिक हर चीज टिकटॉक से लेके हर चीज पे लगा दी होती है। तो ये एक ऐसा जमाना है जो हमारी सबकी जो है, हमारे सबसे ज्यादा आवाम आगे है, बहुत आगे निकल चुकी है, और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाली है, तो बिल्कुल ही मामला और कुछ हो जाएगा। बिल्कुल, इनके झूठ और चालें जो है ना वो अब आवाम अच्छी तरह से जान जाते हैं। अंजलि, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि ये जो एपीसी का ड्रामा चल रहा है कि एपीसी में सबको बुलाया जाए, तो एपीसी का मतलब है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, तो ऑलरेडी इनकी हुकूमत में 13 जमातें मौजूद हैं, फिर ये बात है कि पुलिस का इदारा भी मौजूद है, सिक्योरिटी एजेंसीज भी मौजूद हैं, तो अब ये एपीसी बेसिकली क्यों करना चाह रहे हैं, अपनी नालायकी छुपाना चाह रहे हैं या अवाम को बेवकूफ बनानी यानी व्हाइट वॉश करने के लिए, या फिर ये भी कोई सियासी चाल है, आप क्या समझते हैं? देखिए, इनके लिए ये हमेशा पता क्या चलाकी वो करते थे अपने जमाने में, वो समझते थे कि जी कहेंगे ओ इमरान खान ने सारे तालिबान से हाथ मिला लिया तो उसकी वजह से धमाके होंगे। एक तो पेशावर का धमाका बहुत ही, जिसको कहते हैं, दिल दिल हिला देने वाला वाकया है, और उस पे जितना भी अफसोस और मजम्मत की जाए कम है। लेकिन सवाल तो बनता है, सवाल ये बनता है कि ये कह रहे हैं कि जी सब कुछ इनकी पॉलिसियों की वजह से हुआ। नंबर वन मैं इनसे पूछती हूँ कि स्टैट्स तो दूसरा दिखाती है, 2008 से लेके 2013 और 2013 से लेके 2018 तक 300 ड्रोन हमले हुए इन दोनों की हुकूमतों में, पीटीआई की हुकूमत आई, एक ड्रोन हमला नहीं हुआ। उसके अलावा 2020-21 तक मुसलसल दहशतगर्दी नीचे आ रही थी, अब जाके जो स्टेटिस्टिक्स आई हैं वो कह रही हैं कि इस पिछले साल 51% दहशतगर्दी बढ़ी है। तो सवाल यह है कि इनके आते दहशतगर्दी क्यों बढ़ गई है, नंबर वन। नंबर टू ये कहते हैं जी इन्होंने सारे वो टीटीपी वाले जो है उनको रिहा कर दिया था, बिल्कुल शाह महमूद कुरैशी साहब ने, और मैं हम फॉरेन मिनिस्ट्री में थे, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है, हमने नहीं रिहा किया था, इट वॉज नॉट पीटीआई जिसने कोई ऐसा कदम लिया। हाँ, ये जरूर डिस्कस हुआ था कि जी हमें इसकी सोल्यूशन ढूंढनी चाहिए और उसके लिए अफगानिस्तान के साथ डायलॉग करना चाहिए, बल्कि हमने हमारे विजन देखे इमरान खान साहब का कि इससे पहले जब वो जंग का खतरा वहां आ रहा था और अमेरिका आ रहा था, खान साहब ने कहा कि ये हमारी तरफ सारा कुछ आएगा। हमने जनवरी में ओआईसी की कॉन्फ्रेंस बुलाई अफगानिस्तान के ऊपर, और वहां डिसाइड हुआ ओआईसी की कॉन्फ्रेंस में कि जी इनके साथ जुलाई के अंदर कोई इनके साथ कॉन्क्रीट बात होगी उस पर, सेटलमेंट ऑफ ऑल दी टेररिस्ट ग्रुप्स की। हम तो चले गए, इन्होंने हमें निकाल दिया मार्च में, अप्रैल में हमारी हुकूमत चली गई। तो मुझे बताएं कि इन्होंने क्यों नहीं वो मुज़ाकरात किए उनके साथ, या उनका कोई हल ढूंढा या कुछ और किया। मुझे बताएं कि एक फॉरेन मिनिस्टर जो है वो सारी दुनिया में स्पेशली अमेरिका में सारा वक्त बैठा हुआ है, एक ट्रिप उसने अफगानिस्तान से नहीं की, एक उसने मुआयदा नहीं किया, एक उसने हल नहीं ढूंढा। ये इन्होंने छोड़ दिया दहशतगर्दों को, और दहशतगर्दी को किसको पकड़ा, मुझे, मेरे पे 4 दहशतगर्दी के मुकदमे, डॉक्टर साहब पे 4, शंदाना पे 4, पता नहीं किस किस पे,
उस और हम पे हमें दहशतगर्द करते करते सारे दहशतगर्दों ने आके हमारे मासूम सिपाहियों को पकड़ लिया। इसलिए ये टोटल फेलियर मैं बताऊं, ये इनकी हुकूमत का है, इनका कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है, इनकी कोई रीजनल पॉलिसी नहीं है। हमने रीजन में 5 कंट्रीज का रीजनल पीस ग्रुप बनाया था जिसके अंदर ताजिकिस्तान, अजरबैजान था, अफगानिस्तान था, और हम वो उसको पीस वॉच कहते थे कि जी ये कभी भी हमने दोबारा दहशतगर्दी उठने नहीं देनी। मुझे बताएं उसकी मीटिंग क्यों नहीं हुई, मुझे बताएं कौन फॉरेन मिनिस्टर कहां गया, कोई बयान दिया उसने? मैं कहती हूँ फॉरेन पॉलिसी इन्होंने अल्लाह पे भी नहीं छोड़ी हुई, पता नहीं दहशतगर्दों पे छोड़ दी हुई। बिल्कुल, ये एक तरफ तो नाअहल भी है और दूसरा लैक ऑफ इंटरेस्ट भी है। और आपको ये कहूंगी कि अगर ये एपीसी करना चाहते हैं तो किस लिए करना चाहते हैं? एक तो आपने बताया सारी पार्टी सुबह, दूसरा उसमें हमारी क्यों, हम क्यों इनके गारंटर बने कि इन्होंने सारी इकोनॉमी बेड़ा गर्क कर दी? IMF लिख रहा है कि जी आप सबसे पॉपुलर जमात उसको भी कंसल्ट करें, हम क्यों गारंटर बने इनके? इनकी इन्होंने सियासी तौर पर, मौशी तौर पर और अब दहशतगर्दी के तौर पे पाकिस्तान को जो जिस पे धकेला है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, ये जिम्मेदार है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं वो। और वजीर खारजा का आप कह रही थी, वो तो अपनी ट्रेनिंग पे आजकल चल रहा है, तो जाहिर है कि वजीर हमारी क्या खारजा हो, ये ट्रेनेबल नहीं है, इनको दुनिया की कोई ट्रेनिंग नहीं सिखा सकती। मैं सारी उम्र कंसल्टिंग ट्रेनिंग में रही हूँ, जब इनके इनके दिमाग में बारिश आता है तो बहुत आता है, तो फिर बहुत ज्यादा आता है। इनका आप लेवल देखें थिंकिंग का, इनका लेवल देखें अंडरस्टैंडिंग का, तो मुझे बताएं कहां पे टांग रही है। ये हमारी एम्बैरेसमेंट है, बिल्कुल बिल्कुल, ये शरीफ इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट है। मैं फॉरेन पॉलिसी में मैं देखती हूँ, मैं कुड़ती हूँ कि जितना ब्रांड इमरान खान साहब ने ऊंचा किया था, इन्होंने डबो दिया। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, यकीन करें कि हम जो ओवरसीज पाकिस्तानियां, हमारा भी दिल दुखता है कि हम कहां से अचानक से कहां आ गिरे। मुजम्मिल साहब, आपसे मैं एक और सवाल करना चाहूंगी कि ये अब जो हमने पहले इकोनॉमी पे बात की और जो इस वक्त सिचुएशन है, हालात तो बहुत ही मख्तूश से हैं, तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन होंगे, और अगर इलेक्शन फेयर होते हैं तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि 2/3 से ज्यादा बल्कि 3/4 जो है वो तरीके इंसाफ को मिल जाएगा मैंडेट। तो हमारी अगर हुकूमत बनती है तो हमारे पास क्या, हम क्या करेंगे कि जिससे इंशाल्लाह हम इकोनॉमी को दोबारा से रिवाइव कर सकें? देखें, इस वक्त सबसे पहले तो आपको ये मैं बता दूं कि ये जो PDM का माशी प्लान क्या है, वो हम बड़े अरसे से इनसे माशी प्लान मांग रहे थे, अब अल्लाह अल्लाह करके हमें पता लग गया। वो एक तो पता लगा है कि वो सैलानी जो हैं, जो वेलफेयर एसोसिएशन है, उनसे उन्होंने कहा है कि जो है पाकिस्तान के लिए खराज जमा करके लाएं डॉलर में। शायद आप डॉक्टर साहब आपके पास भी आए ये लोग, अब एक माशी प्लान इनका ये नज़र आया। और दूसरा जो है, इसहाक डार साहब ने अभी डिस्क्लोज किया है कि पाकिस्तान को अल्लाह ने बनाया, बेशक अल्लाह ने बनाया, तो उन्होंने कहा अल्लाह ही अब इस मुल्क को जो है चलाएंगे और इसकी जो है ग्रोथ और रोजगार का। तो ये तो इनका माशी प्लान था, हमारा थोड़ा सा हटके माशी प्लान इनसे, और हम कोशिश करेंगे कि अल्लाह की मदद जरूर, हम जिसे कहेंगे कि हमारे हर कदम में अल्लाह की मदद रहे, लेकिन हम उसके लिए मेहनत भी करेंगे। और जो है वो उसमें जो देखें, बहुत सारी रस्सी में बल हैं और हम एक एक करके बल खोलेंगे। ऑलरेडी जो हमने जो है अपनी टीमें बना ली हुई हैं, काम कर रहे हैं। अब अभी सबसे पहला जो हमारा टारगेट है, जो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है, इन्होंने ना खड्डा कर दिया है, उस खड्डे को भरना हमने, उस खड्डे में वो खड्डा क्या है, अच्छा इनके हाथ में बेलचा था, ये खड्डे को भर भी सकते थे लेकिन इन्होंने खड्डे को और गहरा कर दिया। ठीक है, उस खड्डे के 3 चैलेंज है। एक चैलेंज है पाकिस्तान को दिवालिया से बचाना, दूसरा चैलेंज है पाकिस्तान में जो महंगाई है उसको खत्म करना, तीसरा मईशत को अपनी जगह पे बहाल करना। ये 3 खड्डे हैं जो हमें इमीडिएटली एड्रेस करने हैं। तो जैसे मैंने कहा, रस्सी में बल बहुत सारे होते हैं, तो अब उसके लिए हमने वर्किंग शुरू कर दी है। हम समझते हैं आते ही सबसे पहले जो है IMF को हम ऑन बोर्ड रखेंगे, डेट रीशेड्यूलिंग, डेट रीप्रोफाइलिंग की तरफ जाएंगे,
ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एवेन्यूज खोलेंगे, उनसे खैरात नहीं मांगेंगे, उन्हें एवेन्यूज देंगे। आज की खान साहब की आप तकरीर उठा लें, उसमें उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी के ऊपर एम्फेसाइज किया है, साथ उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और पॉलिसी कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं। तीसरा, जो सख्त फैसले हैं वो मेरिट पे करेंगे, रेंट सीकिंग को उड़ा देंगे, और फिर उसके बाद ऐसा ऐसा हम एक रिफॉर्म प्रोसेस इस खड्डे को भरेंगे, और जैसे जैसे चीजें और इंफॉर्मेशन इवॉल्व होगी तो हम जो है उसमें फर्दर जो है अपने एक्शंस को आगे प्रोसीड करेंगे। लेकिन हम ये आखिर में नहीं कहेंगे कि जी इंशाल्लाह अल्लाह ने पाकिस्तान बनाया है तो बस अल्लाह ही चलाएंगे और जो है इधर से खैरात जमा करके ले, इधर से खैरात जमा करके ले। तो वी हैव अ प्लान्स, और हमने 2018-19 में ऐसा ही पाकिस्तान इनसे लिया था, जो ये आज कर दिया ना इन्होंने, तो वो अल्लाह का शुक्र है उस वक्त इलेक्शन हो गए थे, हम जीत के आगे थे तो हमें मिल गया था, वरना तो आज पाकिस्तान 2019 का दिवालिया हो चुका होता। इंशाल्लाह हम वापस इसको रिवाइव भी कर लेंगे जी। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच, आपने इतना डिटेल से एक्सप्लेन किया, और अल्लाह ताला से दुआ है कि ये जो हमने पहले टेररिज्म से टूरिज्म की तरफ सफर किया था, हम दोबारा से वो सफर शुरू करें इंशाल्लाह, और हम पाकिस्तान को जो है प्रॉस्परस देखें इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।